खातिर प्रीमियर लीग सीजन टू। सभी आने वाले मेहमानों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। केपीएल सीजन टू का यह पहला दिन, दूसरा मैच कुछ ही क्षणों में चालू हो गया। बुंदेली बुल्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग और उनको न्योता दिया बैटिंग के लिए सुपरमैन को। सुपरमैन अपने सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द ग्राउंड पर भेज दे। बहुत बड़ा मुकाबला बुंदेली बुल्स वैसे सुपरमैन। बराए मेहरबानी बुंदेली बुल्स अपनी फील्ड की जल्द से जल्द सजावट कर ले। अंपायर्स ऑन ग्राउंड। सुपरमैन प्लीज आपके सलामी बल्लेबाज ग्राउंड पर भेज दे। हेलो एमके राइडर्स पेवेलियन खाली करी आपे, बीजी टीम ने बेसाड़वाना छे। एमके राइडर्स पेवेलियन खाली करी आपो, बीजी टीम ने हमारे जगह बेसाड़वानी छे। सलामी बल्लेबाज मैदान पे आते हुए सुपरमैन की ओर से। बुंदेली बुल्स ની જગ્યા પેવેલિયન માં થઈ ગઈ છે, રમીને તરત પેવેલિયન માં આવજો। બુંદેલી બુલ્સ ના એક્સ્ટ્રા ખેલાડી નો બેહુ હોય તો ખુરશી ની વ્યવસ્થા પેવેલિયન માં કરેલી છે। બરાય મહેરબાની જલ બુંદેલી બુલ્સ બુંદેલી બુલ્સ પોતાની ફિલ્ડિંગ જલ્દી થી જલ્દી ગોઠવી દે। सुपरमैन ना बनने बल्लेबाज क्रीज पर हाजिर छे। शुक्रिया। स्ट्राइक पर कौन छे? उमर। नॉन स्ट्राइक पर अस्पाक। जो उमर भाई है वो एमपी से खेलने आए हैं सुपरमैन टीम में, काफी अच्छे बल्लेबाज है। अच्छा वो आपने बता दिया, ये क्रिकेट है, दिल थाम के बैठी है। बहुत बड़ा मुकाबला शुरू होने वाला है। बुंदेली बुल्स वैसे बल्लेबाज गेंदबाजी की ओर। बुंदेली बुल्स जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाए। हमारे बुजुर्ग यहाँ पर सिद्दीक जी रामेश्वरा, हाजी सत्तार, भुट्टा भाई, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ियों में उनका शुमार किया जाता है। गेम स्टार्ट करने में देरी मत करें, जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजाकर गेम को शुरू करें। आठ ओवर की गेम है, आपको लिमिट टाइम दिया गया है, अगर लिमिट से ज्यादा टाइम लोगे तो ओवर कट होगी। सुपरमैन जो खत्री बावीसी जमात का पहला क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, सीजन वन की विजेता टीम है। वाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। एक्स्ट्रा रन से शुरुआत डॉक्टर हनीफ के द्वारा। फुल टॉस गेंद इनसाइड एज के इनसाइड एज लग के गई, कोई रन नहीं।
कदमों का इस्तेमाल, ऑफसाइड की ओर क्लिक कर दिया और सिंगल के लिए भागते हुए और अपना एक रन पूरा किया। अच्छी बॉलिंग डालते हुए डॉक्टर हनीफ। फील्ड में बदलाव, अब स्ट्राइक पर अशफाक जो बड़े हार्ड हिटर की ओर से जाने जाते हैं, आमोद के रहने वाले हैं। फील्ड की सजावट देखते हुए वाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, एक्स्ट्रा रन। हिटमैन की ओर से जाने जाते हैं डॉक्टर अशफाक। छक्का मारने की कोशिश पर नाकाम। अच्छी बॉलिंग डालते हुए डॉक्टर हनीफ। फुल टॉस गेंद, मिड ऑन की ओर क्लिक कर दिया और मिस फील्ड। एक रन चुराने में कामयाब अशफाक अपना खाता खोलते हुए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पे, फील्ड में बदलाव। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, पहली ओवर में ये तीसरा वाइड, एक्स्ट्रा रन देते हुए टोटल 5 रन। अच्छा बॉल, यॉर्कर की कोशिश, गेंद सीधे बॉलर के हाथ में, कोई रन नहीं। एक ओवर की समाप्ति पे सुपरमैन का स्कोर 5 रन। कौन फोन जा भैया, एक ओवर की समाप्ति पे सुपरमैन का स्कोर 5 रन। कोई बाउंड्री नहीं आई, कोई छक्का नहीं लगा है। नए बॉलर अयान वाव दूसरे एंड से स्टार्ट करते हुए। लगातार फील्ड में बदलाव है, लेफ्ट टू राइट का कॉम्बिनेशन फील्डिंग वाली टीम के कैप्टन को कंफ्यूज करते हुए। फील्डिंग वाली कैप्टन को अनुरोध है गेम में उतावर करे, थोड़ी जल्दी करे। छक्का, हवा में गेंद, बहुत ही बढ़िया छक्का। टीम का स्कोर 11, सुपरमैन की ओर से पहला छक्का इनिंग का, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए। हिटमैन की ओर से पहला छक्का। केपीएल सीजन वन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने, विजेता टीम थी। दूसरा बॉल मिड विकेट की ओर जाती हुई गेंद और सिंगल चुराने में कामयाब अशफाक। तेज हवा चलती हुई, बॉलर को थोड़ी पेस मिलने की आशा है।
अभी अभी अश्फाक ने हवा के विरुद्ध में एक छक्का मारा था, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन स्ट्राइक पे। देखते हैं कैसे हवा के अगेंस्ट खेलते हैं ये। लगातार फील्ड में बदलाव, पावर प्ले दो ओवर का रहेगा, दूसरा ओवर चल रहा है। बहुत ही बढ़िया कवर के ऊपर से बॉलर, बॉल के पीछे फील्डर भागते हुए, देखना होगा कैसा फील्डिंग किया है, चौका लगा के नहीं। वहां पे सिंगल लेने में कामयाब। अच्छी बॉलिंग करते हुए अयान वाव, बहुत ही बढ़िया शॉट, हवा में गेंद, फील्डर बॉल के नीचे और ये कैच ड्रॉप। ऐसे मौके गंवाने नहीं चाहिए, बहुत अच्छे बल्लेबाज है ये। कैच छोड़ोगे तो मैच छूट जाएगा हाथ से। ऐसे मौके मत घुमाओ। पहला कैच छूटा सुपरमैन के बल्लेबाज का। मिड ऑन की ओर क्लिक कर दिया है, सिंगल लेने में कामयाब। अच्छी बॉलिंग, फिर से स्ट्राइक पे अश्फाक। देखते हैं कैसे छक्का लगाते हैं कि चौका लगाते हैं। लगातार फील्ड में बदलाव, एज लगा, देखते हैं अंपायर ने आउट दिया, आउट, अश्फाक आउट। पहली सफलता बुल्स को, पहली सफलता, हिटमैन बल्लेबाज अश्फाक आउट। और ओवर की समाप्ति, दो ओवर के नुकसान पे एक विकेट और टीम का स्कोर। अयान वाव को पहली सफलता, हिटमैन बल्लेबाज को आउट किया है, बहुत बड़ी सफलता है ये। दो ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 17 रन एक विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज के रूप में मोइन, बड़े लंबे कद के दिखते हैं, देखते हैं इतने लंबे लंबे छक्के लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। पावर प्ले की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 17 रन एक विकेट के नुकसान पे। बोर्डली बुल्स अनुरोध है गेम में थोड़ी जल्दी करे। देखते हैं कौन बॉलिंग डालने आता है। अश्फाक वापस कोई सजेशन देने जाते हुए, दो ओवर का पावर प्ले समाप्त है, चार फील्डर अंदर रख सकते हैं और पांच फील्डर आउट ऑफ सर्कल रख 38 सर्कल के बाहर रख सकते हैं। फील्डिंग कम टीम के कप्तान को अनुरोध है थोड़ी जल्दी करें, टाइम लिमिट है अपने पास, पूरे दिन में 5 गेम खेलने हैं। टीम का एक बंदा डिसीजन लेके फील्डिंग सेटिंग करे। डॉक्टर हनीफ अपनी दूसरी ओवर ले, उमर स्ट्राइक पे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उनकी दिशा में हवा चलती है, देखते हैं कैसे हिटिंग करते हो।
हिट करने की कोशिश, स्टंपिंग की अपील, देखते अंपायर ने आउट दिया कि नहीं दिया। बैट्समैन ने मिस किया, अच्छी कीपिंग विकेट कीपर की ओर से। इब्राहिम दिया की ओर से अच्छी विकेट कीपिंग। दूसरी गेंद, कदमों का इस्तेमाल, हवा में मार दिया है, बहुत ही बड़ा लंबा छक्का, ये दूसरा छक्का है सुपरमैन टीम की ओर से। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन, तीसरा ओवर। अच्छी हिटिंग करते हुए एमपी के मशहूर बल्लेबाज है। शॉर्ट बॉल लेग साइड, फाइन लेग पे क्लिक कर दिया है फील्डर बॉल के नीचे, और ये कैच ड्रॉप। और अंपायर का इशारा, छक्का, दूसरा लगातार छक्का डॉक्टर हनीफ की ओवर में। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। शॉर्ट बॉल गेंद डाल रहे हैं, बल्लेबाज पूरा टाइमिंग ले रहा है और बॉल को सीधे बाउंड्री के बाहर फेंक रहा है। हवा का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। ऑफ साइड गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर को, और तीसरा ओवर चल रहा है। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, मैक्सिमम फील्डर आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। हार्ड हिट की कोशिश, वहीं पे बॉल थम गया। 30 रन, तीसरा ओवर चल रहा है, 30 रन पे एक विकेट। कदमों का इस्तेमाल, एज लगा सीधा पीछे, कोई रन नहीं। अच्छी बॉलिंग का नजारा डॉक्टर हनीफ की ओर से। स्लो गेंदबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैट्समैन पढ़ नहीं पा रहा है। संभाल कर खेले, हवा थोड़ी सी थम गई है। हिटिंग की कोशिश और मिस। अच्छी बॉलिंग का नजारा, अच्छा कमबैक डॉक्टर हनीफ की ओर से। लगातार दो छक्के लगने के बाद ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 30 रन, एक विकेट के नुकसान पे। अच्छा प्रदर्शन बैट्समैन की ओर से, दो छक्के लगे तीसरे ओवर में। हवा, तेज हवा के रुख के चलते हुए नए गेंदबाज वसीम जी डीडियापाड़ा, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट। लगातार फील्ड में बदलाव, फील्डिंग टीम के कैप्टन से अनुरोध है गेम में थोड़ी तेजी करें। पूरे दिन में हमको 5 मैच खेलने हैं। अपनी पहली गेंद खेलते हुए मिड ऑन की ओर क्लिक कर दिया और सिंगल लेने में कामयाब, अपना खाता खोलते हुए। मोइन ने अपना खाता खोला 1 रन से। फिर से स्ट्राइक पे जिस बैट्समैन ने लास्ट के ओवर में 2 छक्के लगातार लगाए थे डॉक्टर हनीफ के ओवर में, देखते हैं वसीम के आगे क्या करते हो। फील्ड को चेक करते हुए लगातार फील्ड में बदलाव,
फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद, कैच और ये ड्रॉप, लगातार दूसरा कैच ड्रॉप हुआ इनका। ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। ये बैट्समैन ऑलरेडी दो छक्के लगा चुके हैं आपके बॉलर के अगेंस्ट। ऐसे कैच छोड़ोगे तो मैच छोड़ दोगे हाथ से। अच्छी गेंदबाजी का नजारा वसीम जी की ओर से। फिर से स्ट्राइक पे मोइन, हार्ड हिटर, लंबे शॉट, गेंद लेग साइड की ओर क्लिक कर दिया है, हवा में गेंद और ये सबसे लंबा छक्का मैच का। बहुत दूर गेंद जाती हुई, हार्ड हिटर मोइन की ओर से पहला छक्का। थर्टी एट रन पर फर्स्ट विकेट, एक विकेट के नुकसान पे टीम का स्कोर 38 रन, 38 रन। चौथी ओवर चलती हुई वसीम जी की ओर से, लेफ्ट आर्म बॉलर। शॉर्ट बॉल फिर से फाइन लेग पे हुक मार दिया है और ये छक्का अंपायर की ओर से, छक्के का इशारा, लगातार दूसरा छक्का मोइन की ओर से। शॉर्ट बॉल गेंद डाल रहे, अभी तो हवा भी रुक गई है। बैट्समैन अपनी ताकत का नजारा देते हुए, बहुत ही अच्छा, दो पुल शॉट पे दो छक्के। चौथी ओवर चल रही है, टीम का स्कोर है 45 रन। एज और स्लीप में कोई फील्डर नहीं, कमेंट्री बॉक्स की ओर बॉल आती हुई और सिंगल लेने में कामयाब। लेफ्ट हैंड बैट्समैन अगेन वसीम, फिर से स्ट्राइक पे। फुल टॉस गेंद और मिड ऑन पे क्लिक कर दिया है, फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठाया। ओवर की समाप्ति, चार ओवर के नुकसान पे टीम का स्कोर है 46 रन पे एक विकेट। चार ओवर की समाप्ति हुई है और अभी चार ओवर बचे हैं। चार ओवर में कितना रन हिट करते हुए देखना होगा सुपरमैन की टीम। अच्छा हिटिंग कर रहे हैं मोइन, मैक्सिमम स्ट्राइक मोइन को देनी चाहिए। और ये ड्रिंक्स ब्रेक ग्राउंड पे, ऑर्गेनाइजर स्कोरबोर्ड को चेकते हुए अच्छी बॉलिंग का नजारा। प्रीवियस सीजन केपीएल सीजन वन के विजेता सुपरमैन की ओर बोडेली बुल्स, चार ओवर के नुकसान पे टीम्स का स्कोर 46 रन एक विकेट। नए बॉलर के रूप में अजरुद्दीन भाई सजवारा, डॉक्टर हनीफ उनको सलाह देते हुए पिच का रुख कैसा है वो इन्फॉर्म करते हुए, पिच कैसे बिहेव कर रहा है वो सिखाते हुए। फिर से तेज हवा चलने लगी है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन स्ट्राइक पे, देखना होगा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन स्ट्राइक तेज हवा का उपयोग करते हैं कि नहीं, हवा के रुख में छक्का लगाते हैं कि नहीं। अच्छे बॉलर है अजरुद्दीन, बल्लेबाज फील्ड चेक करते हुए निशाना लगाना है उनको, किस साइड बॉल हिट करना है। लगातार फील्ड में बदलाव, हवा में गेंद मिड ऑन की ओर क्लिक कर दिया है बहुत जोर से और ये लंबा छक्का, अंपायर का इशारा, 6 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए उमर की ओर से ये तीसरा छक्का,
बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। दूसरी ओर बहुत ही बढ़िया लेग साइड फ्लिक कर दिया है और ये लगातार दूसरा छक्का। अंपायर का इशारा 6 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए हवा में गेंद को घुमाते हुए और बाउंड्री के बाहर भेजते हुए बल्लेबाज को चांस है 6 गेंद में 6 रन मारने 6 छक्के लगाने का। शॉर्ट बॉल लेग साइड घुमा दिया है और ये लगातार तीसरा छक्का उमर की ओर से। एमपी के मशहूर बल्लेबाज अजहरुद्दीन एक अच्छे जाने जाने बॉलर है। एमपी के मशहूर खत्री उमर लगातार तीसरा छक्का वो ओवर में। टीम के एक्सपीरियंस बॉलर 64 रन एक विकेट के नुकसान पे। पांचवा ओवर चलता हुआ शॉर्ट बॉल लेग साइड घुमा दिया है और यह चौथा छक्का लगातार। अंपायर का इशारा 6 रन। फाइनल लेग पे बहुत ही बढ़िया क्लिक किया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए उमर। अरे फाइन लेग पे क्लिक कर मिड ऑन की ओर बॉल जाती हुई मिस फील्ड और ये चौका लगातार 4 छक्के मारने के बाद ये चौका पांचवी बॉल पे अजहरुद्दीन की। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए उमर एमपी के मशहूर बल्लेबाज। टीम का स्कोर 74 रन पर एक विकेट। पांचवा ओवर चलता हुआ ये गेम चेंजिंग ओवर हो सकता है। मोइन हार्ड हिटर लगातार एडवांस देते हुए उमर 48 पे खेलते हुए 50 में सिर्फ 2 रन की कमी। बहुत ही बढ़िया शॉट स्ट्रेट में हिट कर दिया है और यह छक्का लगातार पांचवा छक्का और उमर की यह शानदार 50 केपीएल सीजन 2 की यह पहली 50 किसी बल्लेबाज की ओर से। पांच ओवर के नुकसान पे सुपरमैन का स्कोर 80 रन पे एक विकेट। गेम चेंजिंग ओवर लास्ट ओवर अजहरुद्दीन की। उमर ने 5 छक्के जड़े और 1 चौका मारा है टोटल 34 रन। अभी तक 2 गेम तीसरी इनिंग चल रही है पहले गेम समाप्त हो गया है उसमें यह सबसे महंगी ओवर हो सकती है। फिर से देखने होगा। मोइन स्ट्राइक पे हार्ड हिटर है लंबे है लंबे लंबे छक्के लगाते है तेज हवा चल रही है हवा के रुख में छक्के मारते है कि नहीं वो देखना होगा। फील्डिंग कप्तान से अनुरोध है गेम में थोड़ी तेजी करे समय अपने पास लिमिटेड है 5 गेम खेलने हैं। अयान वाव बहुत ही बढ़िया बॉल यॉर्कर की कोशिश क्लिक कर दिया है मिड विकेट की ओर। डॉक्टर हनीफ के हाथ में बॉल सिंगल चुराने में कामयाब। फिर से स्ट्राइक पे उमर जो 50 रन के ऊपर खेल रहे 50 मार चुके हैं पिछले ओवर में 5 छक्के 1 चौका मार चुके हैं बढ़िया फॉर्म में है पर इस बार हवा का रुख दूसरी ओर है देखते हैं हवा के अगेंस्ट छक्का मारते कि नहीं मारते बॉलर भी अच्छे है। लगातार फील्ड में बदलाव फील्डिंग में कंफ्यूजन इतने छक्के मारे कि फील्डिंग की कप्तान को कंफ्यूज कर रहे फील्ड कहां खड़ा रखे। लेग साइड पर बड़ी गैप तो
दूसरा बॉल, अच्छी बॉलिंग, यॉर्कर की कोशिश, फुलटॉस गेंद, मिस। अच्छी बॉलिंग का नजारा एंड वाव की ओर से। फिर से स्ट्राइक पे हार्ड हिटर मोइन। छठा ओवर चल रहा है, टीम का स्कोर है 82 रन पर एक विकेट के नुकसान पे। ओवर की तीसरी बॉल, शॉर्ट बॉल, स्ट्रेट हिट कर दिया है, देखना होगा जाती है कि नहीं गेंद फील्डर के हाथ, दस्तानों के हाथ में बॉल, और सिंगल चुराने में कामयाब मोइन। फिर से स्ट्राइक पे फारूक, 82 रन पर एक विकेट, सॉरी 83 रन, सिंगल चुराने में कामयाब हुए लास्ट गेंद पे, 83 रन पे एक विकेट। हवा में गेंद, फील्डर के हाथ में बॉल, देखना होगा छक्का लगाए कि नहीं है, तेज हवा चलते हुए बॉल बाउंड्री के बाहर नहीं गई है, और ये कैच ड्रॉप, लगातार तीसरा ड्रॉप कैच हुआ है उमर का। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजारा अयान की ओर से, लगातार विकेट के चांसेस देते हुए पर अपने मिसफील्ड की वजह से विकेट नहीं ले रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बॉल, फाइन लेग की ओर क्लिक कर दिया है वसीम, बॉल की ओर भागते हुए, और ये अंपायर का इशारा, चार रन, बहुत ही बढ़िया, चार रन, चार रन, बढ़िया अंपायरिंग करते हुए बिली बाउडन की तरह। दोनों स्पेशल अंपायर भरोसे से बुलाए गए, इन्हीं अंपायरों ने केपीएल सीजन वन में भी अंपायरिंग की थी। फुल टॉस गेंद, और ये क्लीन बोल्ड, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजर आया अनवाव की ओर से। सुपरमैन का दूसरा विकेट गिरता हुआ, और ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति 6 ओवर के नुकसान पे, 6 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 88 रन 2 विकेट। 6 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 88 रन 2 विकेट के नुकसान पे। छठे ओवर के लास्ट बॉल पे अयान ने क्लीन बोल्ड किया है मोइन को, हार्ड हिटर, दोनों हार्ड हिटर सुपरमैन के पवेलिंग में चले गए हैं, देखना होगा अगला हार्ड हिटर कौन आता है। इब्राहिम वकील, केपीएल सीजन वन के कप्तान इब्राहिम वकील, छह ओवर समाप्त हो चुके हैं, लास्ट के 2 ओवर बचे हैं, तेज हवा चल रही है, स्ट्राइक पे अब है उमर, जिस साइड से उन्होंने प्रीवियसली इससे पहले ओवर में 5 छक्के और चौका जड़ा था वही साइड से बैटिंग करते हुए, हवा उनके फेवर में चल रही है। फुल टॉस गेंद, लेग साइड क्लिक कर दिया है हवा में बॉल, और अच्छी ट्राई की कोशिश, कैच की कोशिश, अच्छा ट्राई किया है पर सिंगल लेने में कामयाब। 9 बॉल की अपील करते हुए पर अंपायर ने ना बोल दिया, 9 बॉल नहीं थी, फुल टॉस गेंद थी, अच्छी कैच की कोशिश पर नहीं पकड़ पाए। ये चौथी ड्रॉप हुई है उमर की बोरेली बुल्स की ओर से। इब्राहिम वकील स्ट्राइक पे, बॉल को चेक करते हुए,
हवा में गेंद, डॉक्टर हनीफ के हाथों में कैच, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का कैच पकड़ लिया है। इब्राहिम वकील डक आउट होते हुए पहली गेंद पे शून्य रन, सुपरमैन का तीसरा विकेट गिरता हुआ। गोल्डन डक, अच्छा कैच। अगर किसी को नाश्ता पानी करना हो तो ये मंडप के पीछे साकिर भाई बादर जी ने अपने नाश्ते के लिए स्टॉल लगाया हुआ है, गर्मा गर्म नाश्ता कर सकते हो आप वहां पे। फुल टॉस गेंद, अंपायर का इशारा नो बॉल, फाइन लेग पे हुक कर दिया है और ये चार रन का इशारा, टोटल पांच रन मिलेंगे, उसके साथ फ्री हिट मिलेगा। एमके राइडर्स और खत्री सुपर फैन के कैप्टन सेल्फी स्टेज है, वहां पे आ जाए, टीम के ऑर्गेनाइजर बुला रहे टूर्नामेंट के। अच्छी बॉलिंग का नजारा, बाई के रन देते हुए, फ्री हिट गेंद थी मिस हो गई। अच्छी बॉलिंग का नजारा आरिफ खत्री की ओर से, इतने ज्यादा रन नहीं दिए, अच्छा बदलाव। गेंद में वापसी करती हुई, हेलो हेलो, एमके राइडर और खत्री सुपर किंग ना कैप्टन सेल्फी पॉइंट पर हाजिर थे। हवा में गेंद, छक्का मारने की कोशिश, बॉल के नीचे फील्डर, फिर से ड्रॉप, दूसरा रन भाग लिया है तेजी से, लगातार पांचवा कैच ड्रॉप हुआ है उमर का, और 50 प्लस स्कोर के ऊपर खेल रहे हैं वो। एमके राइडर ना कैप्टन ना खत्री सुपर किंग ना कैप्टन फटाफट हाजिर दे जाओ भाई, खत्री समय तो ओछो जा अपनी पास है, फटाफट આગળની મેચનો ટોસ કરવાનો ડિસ્કસ કરવાની હોવાથી એમકે રાઇડર્સ ખત્રી સુપર ફેનના કેપ્ટન, બંને ટીમના કેપ્ટન, હવામાં ગેંદ, કેચ કા ચાન્સ, કવર કે ઉપર સે ઓર સીધે ફિલ્ડર કે દસ્તાનો મે ગેંદ, મિસ ફિલ્ડ, રન આઉટ કા ચાન્સ, ફિર સે મિસ ફિલ્ડ, ઓવર થ્રો કા એક રન, ટોટલ દો રન કુ ચુરાને મે કામયાબ। समझ पाए गाड़ी आई जो सेल्फी पॉइंट पर पॉज करावा माटे फटाफट, टोटल पांच बॉल था आज, पांच बॉल फटाफट आई हो समझ भाई, का तो यार बाकी छे। सातवीं ओवर का लास्ट बॉल है, टीम का स्कोर है 99 रन पे 3 विकेट। हवा में गेंद, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए इनिंग का सबसे लंबा छक्का, सुपरमैन कई चला भाई, हाथ जो करो फटाफट, सुपरमैन की टीम की ओर से हाजिर थी गया जे, सुपरमैन की टीम की ओर से कोई भी फील्डर बल्लेबाज छक्का मारता है तो हर छक्के पे वसीम भाई गुरुजी की ओर से 200 रुपए इनाम दिया जाएगा। ये उमर भाई ऑलरेडी इनाम जीत चुके हैं, ये इनकी ओर से सातवां या आठवां छक्का हो सकता है। कॉइन वालों मास्टर तो है, GTPL पर 981 नंबर ने चैनल पर लाइव चालू छे, टॉस के लिए हाजिर दोनों टीम, एमके राइडर्स और खत्री सुपर किंग रामेश्वरम।
अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद थी, आज उठाकर खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहे। 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि साथ आठवां ओवर जारी। आखिरी पांच गेंद इस इनिंग की, 105 रन। हेलो, अनाउंसमेंट, सुपरमैन टीम की ओर से अभी कोई भी छक्का लगाता है तो वसीम गुरु की ओर से 200 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एक रन से संतुष्ट, आखिरी चार गेंद वसीम गेंद करेंगे, लास्ट दो उमर को, जो 61 रन पर खेलते हुए 27 गेंदों में 7 छक्के और 1 चौका शामिल। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, खूबसूरत बैटिंग का मुजाहिदा करते हुए फील्ड में थोड़ी तब्दीली। वसीम उमर के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, हल्के कदमों से छोटा सा रन अप, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट उमर के लिए। गेंद अच्छी गेंद थी, आगे खेल आगे आगे जन खेलना चाहते थे मगर नाकामयाब रहे। एक रन स्कोर बढ़ता हुआ, तीन गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग का। वसीम बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया बॉलिंग अयाज के लिए। अगली गेंद लेकर चौथी गेंद वसीम, ये गेंद उठाकर खेला है मिड विकेट की जानेब, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, चार रनों के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। बहुत ही खूबसूरत शॉट मिड विकेट के ऊपर से, चार रन। अच्छी बैटिंग का नजारा, लास्ट ओवर चल रही है, 100 रन मार चुके हैं सुपरमैन की टीम, 4-6, 6 रन का इशारा। 200 रुपए अयाज ने अपने जेब में डाल दिए वसीम गुरु की ओर से। दो गेंद बाकी, गेंद घुमाकर खेला, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, चार रनों के लिए काफी अच्छा शॉट अयाज की ओर से। लास्ट ओवर चलती हुई, ओवर की लास्ट गेंद है, देखना होगा लास्ट गेंद पे क्या करते हैं बल्लेबाज। हवा में गेंद है, हवा में बॉल को हिट कर दिया है फील्डर बॉल के नीचे, और एक अच्छा कैच, बहुत काफी अच्छा कैच कटप्पा की ओर से। स्कोर, टीम का स्कोर है 117 टारगेट है 118 रन, 118 अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन सुपरमैन की ओर से, काफी अच्छा बल्लेबाजी। उमर बहुत अच्छा खेले, बहुत उम्दा खेले अपनी टीम के लिए, बहुत मेहनत की, अच्छा प्रदर्शन किया। लाइन वाला टॉस पर ध्यान, टॉस एमके राइडर्स और खत्री सुपर किंग के बीच टॉस। खत्री सुपर किंग ने टॉस जीत लिया है, खत्री सुपर किंग वन द टॉस एंड चूज टू बॉल फर्स्ट। काफी अच्छी कामगिरी पिच पे सफाई होती हुई, काफी अच्छा। 5 मिनट का ब्रेक है, सुपरमैन की टीम को रिक्वेस्ट है ग्राउंड में जाके टीम डिस्कशन करके अपनी फील्ड सजा दे, और ओडेली बोल्स को भी रिक्वेस्ट है अपने बल्लेबाज जल्द से जल्द पिच पे भेजे। कृष्णा भैया बहुत बहुत बढ़िया, आपकी वजह से आज ये पिच पे खेल रहे हैं, आपने बहुत मेहनत किया पिच के पीछे। हेलो यासीन प्रो, कही भाई यासीन प्रो मोर्चा
यासीन प्रो कई छे नास्तो मंगाव आई गयो आई गयो बराए मेहरबानी बोड़े पुलिस ने ताकि जल्द से जल्द दूसरी इनिंग का आगाज हो जाए। पिच रिपोर्टिंग एक इनिंग के बाद साफ सफाई बहुत बढ़िया कामकाज। हेलो बराए मेहरबानी बोडेली बुल्स अपने सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द ग्राउंड पर भेज दे। सुपरमैन अपनी फील्ड जल्द से जल्द सजा ले। सलमान नाश्तो कर लो वे। बहुत ही बढ़िया खेल देखने को मिला यहाँ पर। उमर की ओर से 117 रन टोटल स्कोर, 118 रन शायद जीतने के लिए चाहिए बोडेली बुल्स को। टीम सुपरमैन अपनी रणनीति बनाते हुए बोडेली बुल्स अपने सलामी बल्लेबाज ग्राउंड पर भेज दे। और फिलहाल हम देख रहे हैं पिच रिपोर्टिंग पूरी तरह से धूप निकल चुकी है, स्विंग मिलने में आवश्यकता है। दोनों तरफ से हवा का रुख कहीं भी जा सकता है। 118 रन निर्धारित 8 ओवरों में 48 गेंदों में बोडेली बुल्स को चाहिए। बोडेली बुल्स पे बल्लेबाज क्रीज पर मोक लिया पे टाइम ने बहुत लिमिट छे साहब जरा सासकर आप जो हम इतनो जूनो बॉल कही गयो। बराए मेहरबानी बोडेली बुल्स आपने हेलो सलामी बल्लेबाज ला हम जोला ला साहेब नो हम जोला हमारे बाहर के आए हुए मेहमान उमर बहुत ही बड़े बल्ले बल्लेबाज उनका देखने को मिला हमें फर्स्ट 50 दिस केपीएल। और राजस्थान से ताल्लुक रखते हुए यासीन उनसे मैं दो शब्द कहने को बोलूंगा, आपको ये आयोजन कैसा लगा प्लीज? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। शुक्रिया यासीन भाई फ्रॉम राजस्थान दंदोरा। मेरे साथी कमेंटेटर एसके जॉली जो भी काफी अनुभवी बल्लेबाज गेंदबाज अच्छा ऑलराउंडर गुज्जू टाइगर्स और से खेलेगा कल सुबह में 9:30 मैच है गुज्जू टाइगर का। जो एसके जोली गुज्जू टाइगर के कप्तान है। बराए मेहरबानी अंपायर्स ओके सॉरी सॉरी सॉरी
अमन मेरे साथ ही सलमान खड़े हैं। हेलो हेलो मेहरबानी करीने भाई पड़ेकीनो के गुटका मावा जे भी खाता हो बहार थूकशो ना मैदान में कचरो डस्टबीन बधी जगह पर राखेला छे एमां थूकजो मेहरबानी करीने भाई मैदान पर कोई भी गंदगी थाय ना। गेम थोड़ी देर के लिए रुका हुआ अपने अंपायर्स ब्रेकफास्ट करते हुए तब तक सुपरमैन टीम अपनी रणनीति बनाते हुए बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है सुपरमैन की टीम ने। 118 रन का टारगेट दिया हुआ है 8 ओवर में चेस करने के लिए। सलामी बल्लेबाज अजरुद्दीन और कयूम क्रीज पे आ चुके हैं। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर यासीन भाई खत्री सलमान भाई जॉली सुपरमैन की प्लेयर की ओर डिस्कस करते हुए आगे का प्लान क्या है कैसे खेलना है टीम स्ट्रेटेजी क्या है। अंपायर से निवेदन करूंगा जो ग्राउंड में तशरीफ लाए अंपायर नाश्ता कर रहे हैं खा लेते हैं उनको ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अंपायर अंपायर्स ग्राउंड में जाते हुए सुपरमैन के कप्तान को अनुरोध है कि अपनी फील्ड सजा दे और जल्द से जल्द गेम स्टार्ट हो जाए। 117 रन का टारगेट निर्धारित 48 गेंदों में। सलामी बल्लेबाज बुडोली बुल्स की ओर से आ चुकी है उनसे मैं डब्बा होऊंगा के या और क्या रहेगा आपके लिए। बुडोली बुल्स ने एक माणस आवी ने बॉल सिलेक्ट करी जाओ भाई रन्स में थोड़ा डिफेंड है पर बुडोली बुल्स ने एक माणस आवी ने बॉल सिलेक्ट करी जाओ फटाफट કેમ ભાઈ બોલ નહીં લીધો બોડેલી બોલ્સ નો એક ફિલ્ડર આવીને અઝરુદ્દીન ભાઈ ને સ્કોર કે સામે આપ કે ક્યા હે ને ઇન્શાઅલ્લાહ ચેસ કર લેંગે જી બહોત બહોત બધાઈ આપકો ચાલવે અમન નાખો बहुत बड़ा मुकाबला निर्धारित 48 गेंदों में 117 रन बुडोली बुल्स को। एक फोन मिला है जिस किसी का फोन हो रेड कवर है पीछे से और कमेंट्री बॉक्स के आगे आके ले जाए कमेंट्री बॉक्स में। बुडोली बुल्स के प्लेयर बॉल को चेक करते हुए ये नहीं तो अगली गेम यही बॉल से खेलनी है जो बॉल तुम अभी स्पेयर में रखोगे अगली गेम जो अच्छी टीम से होगी तुम्हारी नॉकआउट राउंड में वही बॉल जो बचेगा उससे ही खेलनी है। स्ट्राइक पे कयूम और नॉन स्ट्राइक पे अजरुद्दीन ये किसी का फोन मिला है अपने जेब चेक कर ले अगर किसी का फोन गुम हुआ है तो कमेंट्री बॉक्स की ओर आके ले जाए। दूसरी इनिंग का आगाज बॉलर अमान द स्पीडमैन सुपरमैन की ओर से द स्पीडमैन बॉलर कौन जायन जो ना मैन लिंक दूरी संभालेंगे अमान बॉलर राइट हैंड बिया शॉर्ट गेंद लेग साइड क्लिक कर दिया है डॉक्टर वाहिद बॉल के पीछे भागते हुए और 2 रन चुराने में कामयाब। अच्छी रनिंग का नजारा बिटवीन द विकेट
તમારે પાવર બેંક લઈને જવું પડે બધાને. ચાર્જર હશે તો ગાડી સોકેટ બી ખાલી નથી, એક ખાલી છે. હવા મેં ગેંદ લેગ સાઈડ માર દિયા હે, બાઉન્ડ્રી કી ઓર ગેંદ જાતી હૈ ઓર યે ચોક્કા. બોલી બુલ કી ઓર સે પહેલા ચોક્કા, ટીમ કા સ્કોર બઢતા હુઆ, પહેલી બાઉન્ડ્રી. અચ્છે સલામી બલ્લેબાજ જાન જાતે હૈ, દોરો હાર્ડ હિટર હૈ, લંબે હૈ. બેટ્સમેન કી ઓર સે અમ્પાયર સે અપીલ, બોલર જર્ક મારતા હુઆ હૈ, એસા અપીલ કિયા હૈ, દેખના હોગા અમ્પાયર ક્યા ડિસિઝન લેતા હૈ. વૈસે ભી યે બોલર હૈ, વો ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ ખેલતા હૈ, ટ્રેનિંગ લેતા હૈ બરોડા મેં. અચ્છા બોલ, સહી બોલિંગ ડાલતે હુએ, ગુડ લેન્થ પે બોલ કો પિચ કિયા, બેટ્સમેન કી છાતી પે સે બોલ નિકાલા. અચ્છી બોલિંગ કા નજારા, તેજ હવા ચલતી હુઈ, બેટ્સમેન સંભલતે ખેલતે હુએ. ઓફ સાઇડ ક્લિક કરને કી કોશિશ, અચ્છી બોલ વિકેટ કીપર કે દસ્તાનો મેં. અચ્છી બોલિંગ કા નજારા, ટીમ કા સ્કોર હુઆ હૈ 6 રન, એક બાઉન્ડ્રી લગ ચુકી હૈ. અભી ભી અઝરુદ્દીન નોન સ્ટ્રાઇક પર એન્ડ પે ખડે હૈ. હિટ કરને કી કોશિશ, બોલ સીધે ફિલ્ડર કે હાથ મેં, રન આઉટ કા ચાન્સ, ઓર દેખના હોગા અમ્પાયર કા ઇશારા, યે રન આઉટ હૈ કે નહીં, અમ્પાયર કા ઇશારા રન આઉટ. અઝરુદ્દીન 0 બોલ પે 0 રન કરે હુએ રન આઉટ, એક ભી બોલ ખેલને કા મોકા નહીં મિલા અઝરુદ્દીન કો. તાલમેલ નહીં બેઠા દોનો બેટ્સમેનો કે બીચ મેં, ઓર વિકેટ કા પતન રન આઉટ કે રૂપ મેં. અવાજ કી ઓર સે બઢિયા ફિલ્ડિંગ, બહોત હી હાર્ડ હિટર બલ્લેબાજ ઇબ્રાહિમ જી, ક્રીઝ પે આતે હુએ, દેખના હોગા પાવર પ્લે કા ઇસ્તેમાલ કરતે કે નહીં. કયુમ અભી ભી સ્ટ્રાઇક પે હૈ, પહેલી ઓવર સમાપ્તિ કી ઓર જાતી હુઈ, ટીમ કા સ્કોર હૈ 6 રન, એક વિકેટ કે નુકસાન પે. અચ્છી ફિલ્ડિંગ કા નજારા સુપરમેન કી ઓર સે. કદમોં કા ઇસ્તેમાલ, સ્ટમ્પિંગ કા ચાન્સ, અમ્પાયર કા ઇશારા વાઇડ બોલ, લેગ અમ્પાયર કા ડિસિઝન દેખના હોગા. બોલ સ્ટમ્પ પે લગી નહીં હૈ, ટીમ કા સ્કોર બઢતા હુઆ 7 રન, વાઇડ બોલ થી હૈ. ઇબ્રાહિમ જી સ્ટ્રાઇક બલ્લેબાજ કો કુછ સલાહ દેતે હુએ. રિવર્સિપ મારને કી કોશિશ, બોલ બાઉન્ડ્રી કી ઓર જાતી હુઈ, દેખના હોગા ચોકા લગતા હૈ, અમ્પાયર કા ઇશારા 4 રન, બહોત હી બઢિયા રિવર્સિપ. રાજાભાઈ કલારાણી લીઝા કન્સ્ટ્રક્શન, હેલો સ્કોર બોલ દો, ટીમ ઓવર થાય તો સ્કોર કે તો રહે 11 રન, ટીમ કા સ્કોર હૈ 11 રન, એક વિકેટ કે નુકસાન પે. એક ઓવર કી સમાપ્તિ, પહેલી ઓવર કી સમાપ્તિ પે ટીમ કા સ્કોર હૈ 11 રન, એક વિકેટ. બહોત હી બઢિયા રિવર્સિપ મારા હૈ, ચોકા લગાયા હૈ કયુમ પાટના કી ઓર સે. અબ સ્ટ્રાઇક પે હાર્ડ હિટર ઇબ્રાહિમ જી, દેખના હોગા કેસે હાર્ડ હિટિંગ કરતે હૈ. ફિલ્ડિંગ કપ્તાન સે અનુરોધ હૈ, ગેમ મેં થોડી તેજી કરે, જલ્દ સે જલ્દ ફિલ્ડ કી સજાવટ કરે ઓર ગેમ કો આગે બઢાએ. નયે બોલર કે રૂપ મેં યાસીન, યે રાજસ્થાન સે બુલાયે ગયે, ખત્રી બાવીસી જમાત રાજસ્થાન મેં ભી રહેતી હૈ. GTPL પે યે લાઇવ ટેલિકાસ્ટ કિયા જાતા હૈ. GTPL અગર કિસી કે વહાં રિસીવર હૈ તો 981 નંબર કી ચેનલ પે ખત્રી બાવીસી જમાત કા લાઇવ ટેલિકાસ્ટ દેખ સકતી હૈ.
बहुत ही बढ़िया बॉल, हवा में गेंद, कैच का चांस, कोई फील्डर नहीं नीचे, सिंगल चुराने में कामयाब। फिर से स्ट्राइक पे कयूम, अच्छी बॉलिंग का नजारा पहली गेंद पे। बॉल घुमाने की कोशिश, फाइन लेग पे मार दिया है और ये गेंद चौके के लिए जाती हुई, अच्छी फील्डिंग का नजारा फील्डर की ओर से, अंपायर का इशारा चार रन, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। दूसरी ओवर चल रही है, कई में लगातार ये दूसरा चौका लगाया है, पिछले ओवर में भी अच्छी रिवर्सिप मारी थी। टीम का टारगेट है बोडी बोल को चेस करने 118 रन 8 ओवर में, टीम का स्कोर अभी हो गया 17 रन पे 1 विकेट, दूसरी ओवर चल रही है। हिटिंग की कोशिश, हवा में बॉल और ये अंपायर का इशारा 6 रन, बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग करते हैं बिली बाउडन की ओर की तरह, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं बल्लेबाज, हवा के अगेंस्ट छक्का मारा है अपनी ताकत का नजारा देते हुए। दूसरी ओवर चल रही है, टीम का स्कोर 22 रन। बॉल घुमाने की कोशिश और फिर से बॉल बाउंड्री के बाहर, यह दूसरा लगातार छक्का कई पाटना की ओर से, बहुत ही बढ़िया हार्ड हिटिंग करते हुए, बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट से खेलते हुए एक कयूम, बॉलर की लगातार कोशिश बॉल को घुमाने की, पर बैट्समैन कुछ मानने के लिए रेडी नहीं है, उसको तो बॉल को बाहर ही भेजना है। तीसरी शॉट बॉल, बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की है और बॉल सीधी कीपर के दस्तानों में, अच्छी वापसी बॉलर की। फुल टॉस गेंद, लेग ऑन साइड क्लिक कर दिया है, कोई रन नहीं, दो ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर है 28 रन पे 1 विकेट, दो ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। सुपरमैन टीम अपने 4 फील्डर सर्कल के अंदर रख सकती है, 5 फील्डर सर्कल के बाहर रख सकती है। दो ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे। वसीम जी कयूम को पानी पिलाते हुए और दो शब्द सलाह देते हुए, आगे टीम का प्लान क्या है, कैसे चीज करना है, कितने स्ट्राइक रेट से खेलना है, कितने एक ओवर में कितने रन हिट करने हैं, किस बॉलर को टारगेट करना है, वो सारी सलाह देते हुए नए बॉलर के रूप में फारूक डबोई से, लेफ्ट हैंडेड बॉलर, अच्छी बॉलिंग करते है, लेफ्टी नहीं लाइयो, जहीर खान जी हो जाइयो, जहीर खान जी हो जाइयो, हाँ ये पूछो जहीर खान जी हो जाइयो, राइट हैंडेड बॉलर बैटिंग लेफ्ट हैंडेड करते हैं ये फारूक डबोई से जो रब्ता रखते है, लगातार फील्ड में बदलाव, स्ट्राइक पे इब्राहिम जी जो अभी तक एक ही बॉल खेले हैं और एक रन मारा है उन्होंने। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, पावर प्ले की समाप्ति के मुताबिक फील्डिंग कप्तान फील्ड सजाते हुए, स्ट्राइक पे इब्राहिम जी, घुमाने की कोशिश, ऑफसाइड क्लिक कर दिया है, सीधा बॉल डॉक्टर वाइट के हाथ में, कोई रन नहीं, अच्छी बॉलिंग का नजारा फारूक की ओर से, अच्छी फील्डिंग डॉक्टर वाहिद की ओर से, हवा में मारने की कोशिश, कवर के ऊपर से मार दिया है और ये छक्का, अंपायर का इशारा 6 रन, इब्राहिम की ओर से पहला छक्का, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हवा चल नहीं रही है, अब देखना होगा कैसे इस्तेमाल करते हैं
अपनी बैटिंग स्किल का। हवा में गेंद, ऑफ साइड मारा है, बॉल सीधे फील्डर के हाथ में, सिंगल छुड़ाने में कामयाब इब्राहिम जी। अच्छी फील्डिंग का नजारा, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए फिर से कहीं स्ट्राइक पे, देखना होगा कैसे बैटिंग करते हैं आगे। फुल टॉस गेंद, लेग साइड फ्लिक कर दिया है, नो बॉल का इशारा अंपायर का, और 6 रन, टोटल 7 रन उसके साथ। अगली बॉल फ्री हिट मिलेगी, ओवर हाइट का नो बॉल है ये। टीम कंफ्यूज हो गई है, फील्डिंग टीम, ये कयूम की विकेट कैसे ले, रणनीति बनानी होगी। ये लगातार छक्के मार रहे हैं कयूम, अच्छे रन चेस की ओर बोरेली बुल्स। फ्री हिट गेंद है, बहुत ही बढ़िया बॉल हिट करने की कोशिश और ये मिस, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई थी। ये रिवर्सिप मारने की कोशिश, मिस, स्टंप को मिस करती हुई गेंद, विकेट कीपर के हाथ में गेंद। अच्छी बॉलिंग का नजारा, अच्छी वापसी फारूक की ओर से एक छक्का लगने के बाद। हवा में गेंद, स्ट्रेट में मार दिया है, फील्डर के हाथों में गेंद, बड़े लंबे कद के गेंद और सिंगल चुराने में कामयाब। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे बोरेली बुल्स का स्कोर है 43 रन, 43 रन पे एक विकेट, 30 बॉल में 75 रन, 75 रन की जरूरत जीतने के लिए बोरेली बुल्स को सुपरमैन के खिलाफ, जो प्रीवियस ईयर केपीएल सीजन 1 की विजेता टीम है। थ्री ओवर 43 रन पे एक विकेट, बहुत ही बढ़िया रन कैलकुलेशन से खेलते हुई बोरेली बुल्स की टीम, कैसे चेस करना है, टारगेट लेके चल रही है, एक ओवर में कितने रन मारने हैं। वो नए बॉलर के रूप में मोइन, लगातार फील्ड में बदलाव। फील्डिंग टीम से अनुरोध है थोड़ी जल्दबाजी करें गेम में, आगे की मैच का टेस्ट टॉस हो चुका है। खत्री सुपर किंग ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया है, और ये अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर 44 रन। पहली गेंद वाइड डाली मोइन ने, शाहरुख खान के स्टाइल में वाइड बॉल देते हुए अंपायर, बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग कर रही है। अच्छी बॉल, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, लगातार दूसरी वाइड बॉल मोइन की ओर से, अच्छी पेस से डालते हैं पर लाइन लेंथ भूल चुके हैं, कहां बॉल डालनी है भूल चुके हैं, पेस तो अच्छी है। फुल टॉस गेंद, लेग साइड हवा में घुमा दिया है, और यह बहुत ही बढ़िया लंबा छक्का, 100 मीटर से लंबा छक्का लग रहा है ये, बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। इसकी विकेट सुपरमैन को लेनी होगी, वरना ये बल्लेबाज मैक्सवेल की ओर खेल रहा है, मैक्सवेल की तरह खेल रहा है, अकेले जिताने का दमखम रखता है। बहुत ही बढ़िया बैटिंग, अभी भी बॉल ग्राउंड में नहीं आई, इतना लंबा छक्का लगाया था, बल्लेबाज बॉल को चेक करते हुए। टीम का स्कोर है 51 रन। चौथी ओवर की पहली गेंद हुई है, टीम का स्कोर है 51 रन पे एक विकेट, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग,
पैरों में बॉल डाली और बॉल ने हिट कर दिया स्टंप को, लेग स्टंप को, और सलामी बल्लेबाज कयूम अच्छी बैटिंग का नजारा करते हुए आउट हो गए 39 रन पे। बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, लंबे लंबे छक्के चढ़े उन्होंने। सुपरमैन को दूसरी विकेट की सफलता, थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी सुपरमैन, एक हार्ड हिटर आउट हो गया। नॉन स्ट्राइक एंड पे अभी भी इब्राहिम जी खड़े हुए है, देखना होगा इब्राहिम जी कैसे बैटिंग करते हैं। नए बल्लेबाज के रूप में आरिफ खत्री, विकेट ना बॉलर का मोइन था ना, बॉलर मोइन जिसने अभी कयूम को विकेट आउट किया, बोल्ड किया, क्लीन चिट बोल्ड किया है, उसको 200 रुपए नगद इनाम दिया जा रहा है वसीम गुरुजी अमन फरस खाना की ओर से। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजारा, नए बल्लेबाज आरिफ स्ट्राइक पे, कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़ते हुए इब्राहिम जी रन आउट का चांस है, देखना होगा नॉन स्ट्राइक एंड पे पहुंचे कि नहीं है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा डॉक्टर वाइज की ओर से, और अंपायर का इशारा नॉट आउट, संभल कर खेलना होगा, टारगेट लंबा है, संभल कर खेलना होगा, ऐसे खेलोगे तो नहीं चलेगा। फुल टॉस गेंद, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या रहता है, बल्लेबाज ने मिस कर दिया फुल टॉस गेंद, और सही बॉल थी, लीग बाय के रूप में एक रन। फिर से स्ट्राइक पे इब्राहिम जी, एक छक्का लगा चुके हैं, देखना होगा आगे क्या करते हैं, अच्छे हार्ड हिटर है, अगर ये टारगेट चेस करना है तो इब्राहिम को क्रीज पे रहना बहुत जरूरी है। हवा में गेंद, बहुत ही बढ़िया स्विंग बॉल, मिस किया और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, स्लो बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन को कंफ्यूज कर रहे हैं, हिट करे कि प्ले करे। क्या हो भैया, शॉर्ट बॉल बॉडी पे डाली, बल्लेबाज से मिस हुई और ये ओवर की समाप्ति। चार ओवर के नुकसान पे टीम का स्कोर है 52 रन, 52 रन, चार ओवर 52 रन। देखना होगा कैसी स्ट्रेटजी यूज करते हैं वसीम जी। फिर से ग्राउंड में आते हुए बल्लेबाज को दो शब्द कहते हुए, टीम का प्लान क्या है, कैसे चेस करना है, कितने ओवर रन रेट से खेलना है, टीम को टोटल रन चेस करने हैं 118 रन, 24 बॉल में 66 रन की पारी खेलनी होगी, लगातार छक्के लगाने होंगे, तब टोटल एक ओवर में 3 छक्के चाहिए ही चाहिए जीतने के लिए। विकेट अपने हाथ में पड़ी है, तुम्हारे हाथ में है विकेट, दो ही बल्लेबाज आउट हुए अभी तक, दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन में चले गए अपने खाते की दूसरी ओवर लेके। अमान अच्छे बॉलर है, पहली ओवर डाली थी, लगातार फील्ड में बदलाव करते हुए फील्डिंग कप्तान, तेज हवा चलती हुई, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, विकेट कीपर बॉलर को सलाह देते हुए, तेज हवा चल रही है, कौन सी लाइन लेंथ पे बॉल डालनी है वो। लगातार दूसरी वाइड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से,
तेज हवा चल रही है, बॉलर लाइन लेंथ भूल रहे हैं, बॉल कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा है। विकेट कीपर की अपील अंपायर से, ये वाइड बॉल नहीं थी, पर अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन रहेगा। अंपायर ने ये वाइड बॉल का इशारा दिया है। कदमों का इस्तेमाल, विकेट कीपर और बॉलर की ओर से आउट की अपील, पर अंपायर का इशारा नॉट आउट। अच्छी बॉलिंग, गुड लेंथ पे बॉल डालते हुए। अच्छी बॉलिंग का नजर आया इनकी ओर से। अगली बॉल लेग साइड फ्लिक कर दिया है, फील्डर बॉलर बॉल को पकड़ते हुए सिंगल चुराने में कामयाब। फिर से स्ट्राइक पे इब्राहिम जी। इस ओवर के दो बॉल हुए, इस ओवर के चार बॉल इब्राहिम जी को खेलने मिलेंगे। देखना होगा कैसा हार्ड हिटिंग करते हैं। स्ट्रेट में पवन चल रहा है, हवा तेज चल रही है, आगे खेलना होगा। इब्राहिम जी स्ट्राइक पे बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं। बोरेली बुल्स को जीतने के लिए लंबे छक्के मारने की जरूरत है। अभी आगे निकल के स्ट्रेट मारने की कोशिश, मिस, बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी बॉलिंग का नजारा अमन की ओर से, लगातार डॉट बॉल निकाल रहे हैं, सिंगल दे रहे, डॉट बॉल निकाल रहे, सिंगल दे रहे, लंबा शॉट मारने दे नहीं रहे बॉल बैट्समैन को। अच्छी बॉलिंग का नजारा, लगातार मिस बॉल, हिट करने की कोशिश पर नाकामयाब। रिक्वायर रन रेट बढ़ता हुआ, टीम बॉलिंग अच्छी प्रदर्शन करती हुई, बैट्समैन के ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ। लंबा छक्का मारने की कोशिश, फाइन लेग पे बॉल गई, फील्डर के हाथों में बॉल, सिंगल चुराने में कामयाब इब्राहिम जी। सिंगल से काम नहीं चलेगा, लंबे छक्के मारने होंगे। लगातार अच्छी बॉलिंग का नजारा, कयूम के आउट होने के बाद टीम संघर्ष करती हुई, एक भी छक्का चौका देखने को मिल नहीं रहा है। कदमों का इस्तेमाल, लेग साइड बॉल को क्लिक कर दिया है, फील्डर मौजूद और दूसरा रन चुराने की कोशिश नाकामयाब। एक रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा और अच्छा थ्रो। ओवर की समाप्ति, 57 रन टीम का स्कोर टोटल, ओवर 57 रन 5 ओवर की समाप्ति पे, 2 विकेट के नुकसान पे, 3 ओवर बचे हैं। 3 ओवर में 18 के रन रेट से रन को चेस करना है। नए बल्ले ग्राउंड में आते हुए, भारी बल्ले की जरूरत। यासीन अपने खाते की दूसरी ओवर, यासीन लगातार फील्ड में बदलाव, सुपरमैन की ओर से गेम में अच्छी वापसी, 2 ओवर लगातार अच्छे डाले हैं, रन नहीं दिए हैं भले ही विकेट ना मिली हो, लगातार डॉट बॉल। हेलो हेलो, फाइनल पे क्लिक कर दिया है। ये ओवर खत्म होने के बाद खत्री सुपर किंग अपनी फील्डिंग के लिए तैयार रहे और एमके राइडर के बैट्समैन भी रेडी रहे ताकि जल्द से जल्द मैच शुरू हो जाए।
अगले मैच जो भी है उस टीम के फील्डर जिसने भी फील्डिंग चूज की है, फील्डर रेडी रहे, बल्लेबाज भी रेडी रहे, जल्द से जल्द गेम शुरू किया जाएगा। हवा में गेंद, बहुत ही लंबा छक्का मारा है, बहुत ही बढ़िया इब्राहिम जी की ओर से। ऐसे ही छक्के लगाने पड़ेंगे इब्राहिम जी, तब जाके बोरेली बुल्स टारगेट चेस कर पाएगी। लंबा टारगेट है, 8 ओवर में 118 रन चेस करने है। इब्राहिम वसीम गुरु जी की ओर से इब्राहिम जी को ये छक्के लगाने पे 100 रुपए का इनाम दिया जाता है। दूसरा छक्का मारने की कोशिश, हवा में गेंद लोगन के ऊपर ये छक्का, दूसरा 100 रुपए के इनाम नगद इनाम वसीम गुरु जी अमन फरोज खाना की ओर से इब्राहिम जी को दिया जाता है। इब्राहिम वसीम गुरु जी की ओर से लगातार इनाम का वितरण किया जा रहा है, उसके उत्साह में इब्राहिम जी वसीम जी भी अच्छा खेल रहे हैं। एज कैच का चांस, फील्डर मौजूद नहीं। अच्छी बॉलिंग का नजारा, अच्छी वापसी, बॉल घुमाने की कोशिश, शॉर्ट बॉल, हेलमेट पहना नहीं है, मुंह पे बॉल लगी, डॉट बॉल, फाइन लेग की ओर खेलने की कोशिश, हुक करने का चांस पर मिस। अच्छी वापसी बॉलर की ओर से, लगातार दो बॉल डॉट डालिए, शॉर्ट बॉल थर्ड मैन की ओर मारने की कोशिश, फील्डर बॉल के नीचे कैच नहीं पकड़ पाए और सिंगल चुराने में कामयाब इब्राहिम जी। 6 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर है 71 रन। फिर से स्ट्राइक पर रहेंगे इब्राहिम जी। 12 बॉल में बोरेली बुल्स को जीतने के लिए 47 रन मारने होंगे, तकरीबन 24-25 का रन रेट, हर एक ओवर में 4 चक्के चाहिए। लगातार बैटिंग टीम की ओर से फील्डर ग्राउंड में आते हुए टीम की स्ट्रेटजी क्रीज पे मौजूद बल्लेबाज को बताते हुए, 12 बॉल में 47 रन चाहिए, स्ट्राइक पे इब्राहिम जी, लगातार छक्के मारने होंगे। बॉलर के रूप में लंबे कद के गेंदबाज हाइट से बॉल डालते हैं, टॉप रिलीज करते हैं, ग्राउंड की बाहर से सीनियर प्लेयर सत्तारा जी लगातार बॉलर को एडवाइस देते हुए। अच्छे लंबे कद की गेंदबाज, राइट हैंडेड बॉलर, अच्छी बॉलिंग का नजारा, फील्डर के हाथों में गेंद, अच्छा थ्रो, सिंगल चुराने में कामयाब इब्राहिम जी। 11 बॉल में 46 रन की जरूरत, वसीम स्ट्राइक पे, वसीम आरिफ सॉरी आरिफ भाई स्ट्राइक पे। कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद, छक्के मारने की कोशिश, सेल्फी पॉइंट की ओर बॉल और ये छक्का, अच्छी बैटिंग का नजारा, बड़े लंबे टाइम से क्रीज पे खड़े हुए, पहला छक्का इनकी ओर से, टीम को ऐसे लंबे छक्के की जरूरत है। टीम को जीतने के लिए 10 बॉल में 40 रन चाहिए। लगातार कदमों का इस्तेमाल, हाइट पे बॉल, अच्छी बॉलिंग का नजारा, विकेट कीपर बॉलर को अप्रिशिएट करते हुए, 9 बॉल में 40 रन की जरूरत जीतने के लिए। यॉर्कर गेंद, स्टंप मिस, बॉल सीधे कीपर विकेट कीपर के दस्तानों में, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नजारा मोइन की ओर से, अच्छी वापसी, एक छक्का खाने के बाद लगातार दो डॉट बॉल। बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल करते हुए पर लगातार दो बॉल मिस हुई है,
आठ बॉल में 40 रन जीतने के लिए। कदमों का इस्तेमाल और अंपायर का इशारा नो बॉल। अंपायर को पूछना होगा किस चीज का नो बॉल है, वो विकेट कीपर पूछ लेंगे अंदर। अंपायर से आर्ग्यू मत करे, अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन रहेगा। अंपायर से आर्ग्यूमेंट नहीं, अंपायर से आर्ग्यू मत करना, अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन रहेंगे। सब फील्डर अपने फील्ड पे लगे रहे। व्हाइट बॉल करार दिया, नो बॉल नहीं थी, व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल नहीं रहेगी। वसीम जी ग्राउंड में अंदर थी, अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन रहे से। अंपायर है व्हाइट बॉल, लेग अंपायर है व्हाइट बॉल आई पूछे। वसीम जी, वसीम जी, वसीम जी, वसीम जी, यासीन जी मैं, ओ वसीम जी प्लीज कम बैक, कम योर पवेलियन, प्लीज प्लीज सपोर्ट अस। अंपायर जोड़ आर्ग्यू ना करता प्लीज, अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन रहसे। ये लोग पहली मैच में अंपायरिंग नहीं करता। अंपायर का इशारा लेग बाय, एक रन चुराने में कामयाब। फिर से स्ट्राइक पे इब्राहिम जी, सातवें ओवर की लास्ट बॉल है मोइन की। सात बॉल में 38 रन की जरूरत, ये नौ बॉल का इशारा अंपायर का, फ्री हिट मिलेगी। अजी एक नाकवान हो, लास्ट बॉल बची ओवर की, अंपायर का इशारा नौ बॉल, ये फ्री हिट बॉल है। देखना होगा इब्राहिम जी ये फ्री हिट का उपयोग कैसे करते हैं। पची सिंगल पची वाइड, हवा में गेंद, लंबा छक्का मारने की कोशिश, फील्डर बॉल के नीचे, फ्री हिट गेंद है, आउट नहीं दिया जाएगा, आउट नहीं दिया जाएगा, फ्री हिट गेंद थी। टीम को जीतने के लिए एक ओवर में चाहिए 36 रन, टीम को जीतने के लिए चाहिए एक ओवर में 36 रन, 6 बॉल 36 रन। एक ओवर में 36 रन मारने हैं जीतने के लिए। इब्राहिम जी स्ट्राइक पे, एक ओवर में 36 रन। छ बॉल में 6 रन मारी दे तो राजा स्टील तरफ थी 5000 नो इनाम। 6 बॉल में 6 सिक्स वागे तो राजा स्टील तरफ थी 5000 रुपया नो इनाम इब्राहिम जी ने। हवा में गेंद और ये अंपायर का इशारा, 6 रन, छक्का, पहला छक्का लग चुका है। देखना होगा इब्राहिम जी 6 बॉल में 6 छक्के मारते हैं कि नहीं, अपनी टीम को विजेता बनाते हैं कि नहीं, और 5000 का इनाम, नकद इनाम यासीन की ओर से लेके जाते हैं कि नहीं। लगातार 6 छक्के मारने की जरूरत है इब्राहिम जी को ये मैच जीतने के लिए, अपने बोरेली बुल्स के लिए। अच्छे हार्ड हिटर की ओर से जाने जाते हैं, बॉलर में फारूक, अच्छी बॉलिंग, यॉर्कर गेंद और बैट्समैन ने मिस कर दिया, स्टंप भी मिस हुआ, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और ये डॉट बॉल। मैच हाथ से खिसलती हुई, बोली बुल्स के हाथ से मैच जाती हुई।
लेग साइड क्लिक किया है, फील्डर मौजूद, सिंगल लेने में कामयाब, अच्छा थ्रो, विकेट कीपर के हाथ में गेंद, सिंगल चुराने में कामयाब। हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, ये ड्रॉप कैच, अच्छे फील्डर से ऐसे ड्रॉप कैच, सिंगल चुराने में कामयाब। लास्ट दो बॉल बचे, हवा में गेंद, लेग साइड क्लिक कर दिया, फील्डर मौजूद और ये अंपायर का इशारा, छह रन। एक बॉल में 21 रन की जरूरत जीतने के लिए। लास्ट बॉल फारूक की ओर से, हवा में गेंद, सिक्स मारने की कोशिश, बहुत ही बड़ा लंबा छक्का इब्राहिम की जी ओर से, बहुत ही बढ़िया बैटिंग की इब्राहिम जी ने, अच्छी हिटिंग की है। विजेता सुपरमैन केपीएल सीजन वन के विजेता केपीएल सीजन टू में अपनी जीत का खाता खोलते हुए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, टीम परफॉर्मेंस दिया है, हर एक प्लेयर ने अपना 100% दिया है। बोरेली बुल्स की भी अच्छी कोशिश, रन चेस करते हुए